हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीवो के किसी भी फोन में जो वीवो का ओरिजिन ओएस वाला जो कंट्रोल सेंटर रहता है उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको यही मैं बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। गाइज चलिए बिना देर के करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। आपको जरूरत पड़ेगी एक फाइल की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजिली आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में डायरेक्टली आप उसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिन ओएस वाला जो कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कंट्रोल्स। यहाँ पे फर्स्ट इसको आप इनेबल कीजिएगा, यहाँ से जो आपको वीवो नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर जो ओके कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे ऑन करते ही आपके फोन में जो ओरिजिन ओएस वाला जो कंट्रोल सेंटर से वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसे आप यूज कीजिएगा एंड इसके बाद में गाइज आपको बैक होना है एंड यहाँ पे फिर से इसको कंट्रोल सेंटर को परमिशंस दे देनी है। ओके, फाइनली इसको भी जो दे देनी है एंड यहाँ से आपको वीवो सर्च करना है। देखो ये देखो वीवो लिखा हुआ मिल जाएगा, आप यहाँ से सर्च कीजिएगा एंड यहाँ से इसको भी ऑन कर दीजिएगा। सिम स्टेटस को भी जो परमिशंस दे दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से बैक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो सिम वाले को जो परमिशंस नहीं दे पाए कोई बात नहीं, बट यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल सेंटर से वो इनेबल हो चुका है। ओके फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे यूज टैग कलर फ्रॉम वॉलपेपर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलपेपर भी आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल सेंटर इजिली हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। लेकिन ब्राइटनेस हमारी कम है, नोटिफिकेशन पैनल पे भी टिक करेंगे हम, इधर दोनों पे ही टिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बीच वाले बटन को क्लिक करके आ जाएंगे होम स्क्रीन पे, यहाँ पे हम चेक करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे गाइज कितना प्यारा कंट्रोल सेंटर यहाँ पे लग रहा है गाइज, कसम से सुपर लग रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्राइटनेस को हम इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट टाइम हमें परमिशंस देनी रहेगी गाइज, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने ठीक से सेट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे हम जो लास्ट वाली जो परमिशंस थी वो ठीक से दे नहीं पाए थे गाइज, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेट कर लोगे, एक बार जो है फर्स्ट टाइम आपको जो है परमिशंस दे देनी है, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे दोनों कंट्रोल सेंटर्स काम करेंगे, ठीक है, ये भी। और यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा आपका, यहाँ से कंट्रोल सेंटर्स आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लाना है, ठीक है, ऐसे नहीं लाना है ऊपर से बिल्कुल, ठीक है। आपको यहाँ से स्लाइड करना है और जैसे आप यहाँ से स्लाइड करोगे आपके फ़ोन में वीवो का ओरिजिन ओएस वाला जो कंट्रोल सेंटर से वो आसानी से आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है यार, सच में मज़ा आ गया, काफ़ी कमाल का है यार, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो आप इसे यूज़ जरूर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को, मेरी पर्सनल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।